बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, गॉड ब्लेस यू, होप यू ऑल ग्रो, पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो, नहीं बोलना ब्रो, अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो, जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो, सब करे कॉपी मेरा तरीका, छापने दो भाई, स्टाइल मेरा ढापने दो भाई, फेम के भूख में कर रहे नकली लड़ाई, रैपर लोग बन रहे ले भाई, क्या तो सिखा है तुम लोग के गाने से, एक ही बात बता रहे ले, ये जमाने से फर्क नहीं पड़ता मुझे अभी किसी के जाने से, दिल को संभाल वरना टूट जाएगा किसी को चाहने से, बहुत कुछ सिखाया मैं लोगों को गाने से, बंदी अभी तो मरती है अपने गाने पे, ऐसी थोड़ी ना अलग हुआ जब अपन आए लेके आज देखे गाड़ी पे, सिलेक्टेड पब्लिक इनवाइटेड है पार्टी पे, दिखना था स्मार्टी तो कम किया दाढ़ी में, हेटर्स लोग लटक रहे ले मेरे नाड़ी पे, अपने छाड़े पे बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, गॉड ब्लेस यू, होप यू ऑल ग्रो, पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो, नहीं बोलना ब्रो, अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो, जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो, सब करे कॉपी मेरा तरीका, बाकी जो फिराक में बैठे ले उन लोगों को तेल लेते, बोलते चल मसल, अपने असल लोगों को पसंद, हर एक गाना अपना रहता है जशन, बाकियों की बातें लसन, मेरे को नहीं पसंद इन लोग की सोच, अपनी तो पब्लिक है दोस्त, वीआईपी मीटिंग नो इजी अप्रोच, कैसे किया मैं अब बैठ के तू सोच, मैं मेरे दोस्त कमारे फटे ब्लेसिंग द लाइफ, मचारे फटे, एक नंबर भाई, नहीं चाहिए एडवाइस, नहीं, योर बिच इज माय एक्स ब्रो, I'm receiving a text, bro. It's my turn to flex, bro. I own what I manifest, bro. So many eyes on me, bless, bro. I got no time to waste, bro. If you wanna move, there are so many ways, bro. I'm living my life at the best, bro. Let's go. बहुत सारा hype है अपने पास, bro. God bless you, hope you all grow. पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा show. नहीं बोलना, bro. अगर तेरे वो दिल से ना हो, vibe नहीं match करे मिलते नहीं, bro. जगह full पकड़े ले हिलते नहीं, bro. सब करे copy मेरा तरीका, what can I do? What can I do? I got the moves, they wanna walk in my shoes. Peace out. Flammy made that joint. MBA banta hai. Maloom hai na. Hey. 2021 बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, गॉड ब्लेस यू, होप यू ऑल ग्रो, पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो, नहीं बोलना ब्रो, अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो, जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो, सब करे कॉपी मेरा तरीका, what can I do, I got the moves, they wanna walk in my shoes. छापने दो भाई, स्टाइल मेरा ढापने दो भाई, फेम के भूख में कर रहे ले नकली लड़ाई, रैपर लोग बन रहे ले भाई, क्या तो सिखा है तुम लोग के गाने से, एक ही बात बता रहे ले, ये जमाने से फर्क नहीं पड़ता मुझे अभी किसी के जाने से, दिल को संभाल वरना टूट जाएगा किसी को चाहने से, बहुत कुछ सिखाया मैं लोगों को गाने से, बंदी अभी तो मरती है अपने गाने पे, ऐसी थोड़ी ना अलग हुआ जब अपन आए लेके आज देखे गाड़ी पे, सिलेक्टेड पब्लिक इनवाइटेड है पार्टी पे, दिखना था स्मार्टी तो कम किया दाढ़ी में, हेटर्स लोग लटक रहे ले मेरे नाड़ी पे, अपने छाड़े पे बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, गॉड ब्लेस यू, होप यू ऑल ग्रो, पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो, नहीं बोलना ब्रो, अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो, जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो, सब करे कॉपी मेरा तरीका, what can I do, I got the moves, they wanna walk in my shoes. बाकी जो फिराक में बैठे ले उन लोगों को तेल लेते, बोलते चल मसल, अपने असल लोगों को पसंद, हर एक गाना अपना रहता है जशन, बाकियों की बातें लसन, मेरे को नहीं पसंद इन लोग की सोच, अपनी तो पब्लिक है दोस्त, वीआईपी
मीटिंग नो इजी अप्रोच, कैसे किया मैं अब बैठ के तू सोच। मैं मेरे दोस्त कमारे फटे कमारे फटे, ब्लेसिंग द लाइफ मचारे फटे, एक नंबर भाई, नहीं चाहिए एडवाइस। Your bitch is my ex bro. I'm receiving a text bro. It's my turn to flex bro. I own what I manifest bro. So many eyes on me bless bro. I got no time to waste bro. If you wanna move there are so many ways bro. I'm living my life at the best bro. Let's go. बहुत सारा hype है अपने पास bro. God bless you, hope you all grow. पते छुपा के रखेला नहीं करा show. नहीं बोलना bro. अगर तेरे वो दिल से ना हो, vibe नहीं match करे मिलते नहीं bro. जगह full पकड़े ले हिलते नहीं bro. सब करे copy मेरा तरीका, what can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Yo. What can I do? I got the views, they wanna walk in my shoes. What can I do? What can I do? What can I do? Yo, hey, what can I do? I got the moves, they wanna walk in my shoes. Peace out. Flammy made that joint. MBA banta hai. Maloom hai na. Hey. 2021 बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, God bless you, hope you all grow. पते छुपा के रखेला नहीं करा शो. नहीं बोलना ब्रो. अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो. जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो. सब करे कॉपी मेरा तरीका, what can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Yo. What can I do? I got the views, they wanna walk in my shoes. What can I do? What can I do? What can I do? Yo. Hey, what can I do? I got the moves, they wanna walk in my shoes. छापने दो भाई, स्टाइल मेरा ढापने दो भाई, फेम के भूख में कर रहे ले नकली लड़ाई, रैपर लोग बन रहे ले भाई, क्या तो सिखा है तुम लोग के गाने से, एक ही बात बता रहे ले, ये जमाने से फर्क नहीं पड़ता मुझे अभी किसी के जाने से, दिल को संभाल वरना टूट जाएगा किसी को चाहने से, बहुत कुछ सिखाया मैं लोगों को गाने से, बंदी अभी तो मरती अपने गाने पे, ऐसे थोड़ी ना अलग हुआ जब अपन आए लेके आज देखे गाड़ी पे, सिलेक्टेड पब्लिक इनवाइटेड है पार्टी पे, दिखना था स्मार्टी तो कम किया दाढ़ी में, हेटर्स लोग लटक रहे ले मेरे नाड़ी पे, क्या मार के अपने छाड़े पे, बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो, God bless you, hope you all grow. पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो. नहीं बोलना ब्रो. अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो. जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो. सब करे कॉपी मेरा तरीका, what can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Yo. What can I do? What can I do? I got the views, they wanna walk in my shoes. What can I do? What can I do? What can I do? Yo. Hey, what can I do? I got the moves, they wanna walk in my shoes. व्यूज लाना लाला तेरे बस का नहीं, सीधा शॉट देते बाला खोड़ा बसता नहीं, सड़क की बोली लेकिन दाम अपना सस्ता नहीं, नकली स्वैग वीडियो में लाला जस्ता नहीं, करने का कर पर असल वाला फील ला, एमवी फैन बेस देख के बेटा सबका भेजा हिला, डेज गाने फेंक दे तो छड्डी पे गिल्ला, नकली पन वीडियो में और कोई नहीं मिलना, ये भाई बनते वीडियो में अपन कुल्फा कराते ऐसे लोगों को ऑडियो में, जिस जिससे बैठ जाते उस उसको पेल लेते, बाकी जो फिराक में बैठे ले उन लोगों को तेल लेते, बोलते चल मसल अपन है असल, लोगों को पसंद हर एक गाना अपना रहता है जशन, बाकियों की बातें लसन, मेरे को नहीं पसंद इन लोग की सोच, अपनी तो पब्लिक है दोस्त, वीआईपी मीटिंग नो इजी अप्रोच, कैसे किया मैं अब बैठ के तू सोच, मैं मेरे दोस्त कमारे फटे, ब्लेसिंग द लाइफ मचारे फटे, एक नंबर भाई, नहीं चाहिए एडवाइस, नहीं, योर बिच इज माय एक्स ब्रो. I'm receiving a text bro. It's my turn to flex bro. I own what I manifest bro. So many eyes on me bless bro. I got no time to waste bro. If you wanna move there are so many ways bro. I'm living my life at the best bro. Let's go. बहुत सारा हाइप है अपने पास ब्रो. God bless you, hope you all grow. पते छुपा के रखेला नहीं कर रहा शो. नहीं बोलना ब्रो. अगर तेरे वो दिल से ना हो, वाइब नहीं मैच करे मिलते नहीं ब्रो. जगह फुल पकड़े ले हिलते नहीं ब्रो. सब करे कॉपी मेरा तरीका, what can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Yo. What can I do? What can I do? I got the views, they wanna walk in my shoes. What can I do? What can I do? What can I do? Yo. Hey, what can I do? I got the moves, they wanna walk in my shoes. Peace out. So hello mere bhai log, ki hal chal, sat sri akal, sabko namaste meri taraf se. और गाइस आज जो लोग नए आ रहे हो, क्या करना है आप सभी लोगों को पता ही है. तो गाइस हम लोग लेके आ चुके हैं फिर से, पहले था पबजी, अभी वही हो चुका है VGMI, बैटल ग्राउंड्स, आप सभी लोगों को पता है, मोबाइल इंडिया, जो कि हम लोगों का इंडिया का बैटल ग्राउंड है. तो गाइस आज हम लोग लेके आ चुके हैं इंडिया का बैटल ग्राउंड, द पबजी मोबाइल एप्लीकेशन बोल भी नहीं सकते हम लोग, बट यस पबजी मोबाइल जैसा ही है. तो गाइस चलो शुरू किया जाए. तो आज का है एबीवीपी प्रेजेंट्स द फिनाले. ओके तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, आग मचाओ भाई लोग. अरे दिलीप पॉल, गुटका ओपी, वाशिश पॉल, अरे बहुत बढ़िया ब्रो. गाइस इसी तरह सपोर्ट करते रहो और जल्दी से जल्दी 1K तक पहुंचा दो. और गाइस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों से,
तो पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी तो ये चल रहा है, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अभी स्क्रीन दिख चुका होगा आप लोगों को। यस यस, आप लोगों को स्क्रीन दिख चुका होगा। राइट नाउ एवरीथिंग्स ओके फाइन। यस ओके ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके तो गाइस, साउंड बराबर आ रहा है, सब कुछ सही से आ रहा है ना? एकदम एकदम करक आ रही है। तो गाइज, ये जो हम लोग जो कराने जा रहे हैं, ये जो बैटल ग्राउंड्स का टूर्नामेंट हो रहा है BGMI का, तो BGMI का टूर्नामेंट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज बाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरुचरण कॉलेज यूनिट। तो गुरुचरण कॉलेज जो हम लोग का जिसी कॉलेज है, तो उनके यूनिट ने करा हुआ है ABBB के। तो उन खास करके उन सभी लोगों को जिन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो सबका मैं नाम लूँगा, लेकिन खास करके उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि BGMI को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट यूनियन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं इस गेम को। तो इतना ज़्यादा लंबा कुछ भाषण ना देते हुए मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और बहुत सारे प्लेयर्स भी निकलेंगे, सिलचर से हो या फिर असम से हो, जो कि जिसी कॉलेज ने यूनिट ने किया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर प्लेयर्स जो है सिलचर के ही होंगे। तो चलो गाइस, मैं बोल देता हूँ, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरुचरण कॉलेज यूनिट ने ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, द ऑर्गेनाइज ऑफ दिस टूर्नामेंट्स आर रेस्पेक्टिवली स्नेहाल चक्रवर्ती प्रेसिडेंट। अच्छा, स्नेहाल चक्रवर्ती प्रेसिडेंट है ABBB के, और इस जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज में, और जो विशाल नाथ जो है वो सेक्रेटरी है ABBB जिसे कॉलेज के, कॉलेज यूनिट के ABBB के, और जो अंकुश देव है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABBB जिसे कॉलेज यूनिट, एंड अंकुश देव इज द इंचार्ज फॉर दिस इवेंट। एंड वी थैंक ऑल द कार्यकर्ता ऑफ गुरुचरण कॉलेज यूनिट ऑफ विद्यार्थी परिषद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस गेम। और जो भाई BGMI के ऑर्गेनाइज, इतना कोई क्या बोले उसको, इजी नहीं होता गाइस ऑर्गेनाइज कोई भी कर ले। तो मैं सब लोगों को, जितने भी ABBP के, जितने भी जीसी कॉलेज के यूनिट के, जितने भी कार्यकर्ता से, जितने भी सदस्य, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, और जो जो काम कर रहे हैं इस इवेंट के लिए, सबको बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ। और ख़ास करके मैं खुद ही खुद को दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं खुद ही खुद को बोल देता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ इस पार्ट में, तो मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। तो गाइज, अगर आप लोगों को कास्टिंग में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो, अच्छा फीलिंग आ रही हो, तो गाइज क्या करना है आप सभी लोगों को पता है, जल्दी से जल्दी लाइक बटन को ठोक डालो, सब्सक्राइब बटन को फोड़ डालो, और गाइज क्या करना है, शेयर बटन को इतना मारो इतना मारो इतना पेलो कि रिमनाती भी बोले भाई इस बंदे के शेयर बटन में और ना पेलो, ताकि वो उठ ना पाए। मतलब समझ रहे हो तुम लोग? समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना समझे हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता आप सभी लोगों को। तो समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है हम लोग। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवेंट। तो पहले जो लोग एलिमिनेट हो चुके हो, निराश होने की कोई बात नहीं है भाई, बस ये ट्रायल मैच हो रहा है भाई, ट्रायल मैच में कुछ नहीं होता, ठीक है? और गाइज जितने भी लोग स्पीसीज पैक जानना चाहते हो, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आफ्टर दिस गेम, क्योंकि मैंने अभी डाला नहीं है, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। बहुत दिनों से मैं डालने का सोच रहा हूँ, लिख के भी रखा हुआ है, लेकिन डालते टाइम बहुत बहुत आलस आदमी हूँ भाई मैं, ठीक है? ठीक है, तो और गाइस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, 2 मिनट की डिले है, तो कोई भी स्ट्रीम स्नाइफ नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, इधर ही चिकन लाऊंगा मैं देख देख के, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई लोग, ठीक है? तो गाइस मैच थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, अभी तक 96 प्लेयर्स ज्वाइनिंग विद अस, तो बहुत सारे प्लेयर्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो स्पेक्टेटिंग में 2 बंदे हैं, मैं हूँ और सरजीत है। तो कमेंट्री मेरे तरफ से आएगा, सरजीत आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक में भी लाइव हो रहा है हमारे इस गेम को। तो मेरा ये जो चैनल पे है, सेम चैनल देवरॉय लाइव, आप लोग फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक में भी लाइव चल रहा है अभी, दोनों जगह पे लाइव है।
और सरजीत का, इन लोगों का एबीवीपी के जो जीसी कॉलेज की यूनिट है उनका भी लाइव चल रहा है आई थिंक, मोस्ट प्रोबेबली अगर लाइव चल रहा होगा उनके तरफ से तो भाई उधर भी जाओ, लाइक कर दो, फॉलो कर दो पेज को, बस उतना ही बोलना चाहूँगा। टूर्नामेंट स्पॉन सिस्टम रोस्ट हो सकता है ब्रो, आई डोंट नो, थैंक्स ब्रो विशाल मिश्रा। तो गाइस हम लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से देवरॉय लाइव पे। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं बीजीएमआई का, तो ठीक है। और भाई ये तो पहले बोलते ही रहता है, पता नहीं मेरे को भाई क्या बोल रहे हो भाई। हाँ हाँ समझ गया, हाँ भाई प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, अभी सारे बंदे इतना ज्यादा नहीं आए हुए अभी बीजीएमआई पे, बहुत सारे आईपैड और आईओएस वाले भी बैठे हुए हैं अभी नहीं आए। इतना गोली मत चलाओ यार, इतना गोली मत चलाओ यार प्लीज भाई लोग। और आग लगा डाला, आग लगा डाला, एकदम 26 प्लस वाचिंग गाइस, इसी तरह प्यार बांट करो। और गाइस लाइक करो यार, 26 पीपल वाचिंग और 19 लाइक, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। और तो गाइस आप सभी लोगों को स्वागत है फिर से देवरा लाइव में। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बीजीएमआई एंड ऑर्गेनाइज बाय एबीवीपी कॉलेज यूनिट। तो गाइस आप मेक श्योर, आप जितने भी लोग आ रहे हो सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे। चलो गाइस शुरू किया जाए आज का मैच। और गाइस 1-0 सेकंड, तो गाइस प्लेन उठ चुका है ऊपर और गाइस धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। और गाइस इधर देखिए अभी प्लेन पाथ बन चुका है मिलिट्री बेस से लेके जॉर्जो पुल तक। तो आई होप जॉर्जो पुल में बहुत सारा फाइट देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो बहुत सारे टीम्स इधर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, तो मैंने टीम्स पैक पढ़ा नहीं है, आई एम सो सॉरी इसके लिए। तो नितिन देव लिख रहा है गुड कॉपी, तो भाई बहुत ही प्यारा। और गाइस मेरा उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, क्या बोलते हैं, चैट भी पढ़ूंगा थोड़ा बहुत और फाइट भी दिखाऊंगा। तो कोई हर कोई स्पैम मत करना। तो मिलिट्री बेस में यूएसजेड आदित्य वाईटी ये लोग उतर चुके हैं मिलिट्री बेस में, आदित्य वाईटी बाहर, आदित्य वाईटी। तो ओ भाई साहब सारे टीम इधर ही उतर चुके हैं क्या, प्लेन पाथ तो चला गया। ओके ओके ओके, बहुत सारा टीम इधर उतर चुके हैं। तो ज्यादातर प्रीमॉक्स में जाने वाला है पहले, तो मिलिट्री बेस में जो उतरने वाले थे तो मिलिट्री बेस में उतर अभी नहीं उतरेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिट्री बेस में सब लोग सोच रहे थे कि मिलिट्री बेस भी जाएंगे सब लोग तो फाइट ज़्यादा मिलेगा और फाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मिलिट्री बेस में नहीं उतरे हैं ज़्यादा लोग, बस एक ही टीम उतर चुका है जो है यूएसजेड, जो उसको स्पेक्टेट कर लेते हैं 21 नंबर टीम का। तो अभी देख लेते थोड़ा बहुत टाइम तक, तो अभी तो फिलहाल के टाइम के लिए अभी मेरा साउंड आ रहा है ना गाइस, हाँ बहुत बढ़िया साउंड भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो आई थिंक प्रीमॉक्स में फाइट हो सकता है, टीम नंबर 24 और अलाइव है, मतलब कि टीम नंबर 24 के सामने है टीम नंबर 12, टीम नंबर 24, टीम नंबर 7 और टीम नंबर 3, तो चारों टीम के बीच भिड़ंत हो सकती है। लेकिन टीम नंबर 24 थोड़ा दूर उतर चुका है अभी फिलहाल के टाइम के लिए, तो अभी देखना पड़ेगा। टीम नंबर 4 क्वेरी से साइड से जाते हुए, तो थोड़ा हम लोग जूम कर देते हैं मैप में, तो थोड़ा हम लोग इधर जाते हैं तो इस साइड पे थोड़ा स्पेक्टेटिंग करते हैं टीम नंबर 12 के पास। तो टीम नंबर 12 के पास के बंदे पीएमई साइबरट्रॉन जो कि है हाथ में ले चुका है एसकेएस और जो है हम लोगों का बीएसएस, तो बीएसएस गन ये सब लूट चुके हैं। तो थोड़ा बहुत उन लोगों को लूट मिल चुका है वेयर हाउस से, तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग रिच के पास ही है तो वेयर हाउस में लूट रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि अभी इधर तो बंदे बहुत सारे आए हुए हैं, तो टीम नंबर 12 भी उधर बैठा हुआ है। टीम नंबर 12 का टीम थोड़ा बहुत अपना जगह बनाते हुए, इधर इंपीरियल का टीम इधर बैठा हुआ है। तो इधर कोबरा गोविल, तो इधर भी फाइट हो रहा है, तो कौन किसको मार रहा है ये पता नहीं। और टेडी सामा डीएलएस के टीम के भी फाइट हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा देख लेते इधर भी फाइट होएगा जितना लग रहा है मेरे को, तो इधर भी फाइट होने वाला है। तो अभी थोड़ा इधर साइड को घूमते, अभी थोड़ा दूसरे साइड को देख लेते कौन से साइड पे फाइट चल रहा है, क्योंकि देखो भाई अभी बहुत दिनों के बाद स्ट्रीम कर रहा हूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दियो भाई लोग। और इधर थोड़ा इधर तो फाइट होने वाला है लग रहा है मेरे को, क्योंकि एनजी फेट, वेयर इज एनजी फेट, ओके ओके ओके, रोजक में फाइट चला और इधर एक नॉक था, एक टीम पूरा मार दिए, तो टीम नंबर 8 को बचा लिया गया हुआ है। तो उनका कितना स्वाइप हुआ, एक बंदा मर चुका है और 3 बंदे, तो उन लोगों ने एक पूरा स्क्वाड को खा चुका है।
तो बहुत ही प्यारा, तो एक स्क्वाड मर चुका है, तो टीम नंबर 19 के स्क्वाड मरते हुए, और एनजी फेट ने सामा को मार दिया, तो बहुत प्यारा। लेकिन एक चीज़ गलत है, ये स्पेक्टेटिंग में अभी तक वो सुधरा नहीं है ये चीज़ें। तो इधर इधर भी और एक टीम जाता हुआ, बीटीएच ना तोपी। तो गाइस जो जो लोग लास्ट के फाइट को देखना चाहते हो तुम लोग, तो टीम नंबर 23 का एक बंदा बचा हुआ है इधर। तो ये बंदा थोड़ा आगे आ चुका था अपने टीम को छोड़ के, तो इधर टीम नंबर 5 ने एक बंदे को खाया हुआ है उनका टीम का, ओपोनेंट का। तो पता नहीं कौन से टीम को खाया हुआ है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे टीम का एक भी बंदा आ सकता है, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो इधर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यमदूत लोग थोड़ा बहुत सही है, सही में खेल रहे हैं, तो बाकी फाइट किधर चल रहा है। सीएनएड नेट ए लोग क्या एक दूसरे को नेट कर रहे हैं क्या गाइस? सीएनडी उनके पास तो कोई नहीं है। हाँ, एक दूसरे को नेट करके भाई मार दिए, भाई एक दूसरे को नेट करके मार दिए, तो बहुत ही प्यारा। अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है सीन। और इधर फाइट चलता हुआ, तो अभी देख लेते क्या होता है सीन, क्योंकि इधर गाड़ी से आई थिंक किसी को एक को तो नॉक किया हुआ है। हाँ, एक को फिनिश कर चुके हैं। तो अभी देख लेते साइबरट्रॉन आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 12 के टीम को। तो इधर एच एफ यू टोगो जो है, टोगो इधर उधर नीचे लेटे हुए हैं, पीछे आई थिंक ऊपर रिच के साइड में बंदे हैं। तो टोगो को देख लेते, टोगो आई थिंक स्प्रे करता हुआ। टोगो आई थिंक स्प्रे करता हुआ, अभी देख लेंगे अभी कौन सा टीम, क्योंकि टोगो इधर बैठा हुआ है, तो टोगो के साइड में भी बहुत सारे बंदे होंगे। तो दो बंदे, अच्छा एम्प्रोयर के साथ में फाइट चल रहा है, तो एम्प्रोयर का देख लेते, एम्प्रोयर ब्लू भी इधर है, तो देख लेते मेगाट्रॉन क्या कर रहे हैं। अच्छा ये लोग तो एम्प्रोयर के दो बंदे मारे गए हैं, मोहजीत सिंह और एम्प्रोयर डैडी एम्प्रोयर। तो उनका देखना पड़ेगा क्या होगा, आई थिंक शायद से आई थिंक उधर राइट साइड में थोड़ा बहुत फाइट चल रहा है अंदर घुसते हुए टीम नंबर 7 को बंदे को एम्प्रोयर डैडी को। तो भाई बहुत प्यारा, एम्प्रोयर नहीं ब्लू बच चुके हैं, ब्लू चल चुके हैं। तो टीम नंबर 3 इधर है, तो टीम नंबर 12 आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 12 भी आगे बढ़ेंगे। तो टीम 22 वॉचिंग राइट नाउ गाइस, क्या कर रहे हो गाइस भाई लोग? तो इधर ये उनका जो एम्प्रोयर का बंदे जो थे, वो एक बंदा उधर ही साइड में थे, तो वो छोड़ के चले गए उधर से, तो उन लोगों को छोड़ के चला गया। और इधर टीम नंबर प्रकाश सोम ने टीम नंबर 12 ने एक नेट कुक करते हुए, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हुए मेरे भाई लोग, बहुत ही अच्छा नेट करते हुए उधर। और एच एफ यू टोगो थोड़ा कंटेनर के पास से देखते हुए, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए उधर थोड़ा बहुत डैमेज देते हुए साइबरट्रॉन आई थिंक मारते हुए। तो टीम नंबर 3 भी पुश करता हुआ आगे, तो देख लेते हैं अभी उनका टीम नंबर 3 के एक बंदे के पास ओएलएस इलेक्ट्रिक के पास थोड़ा बहुत कम है हील, तो वो हीलिंग करते हुए अपने आप को हील लगाते हुए तो बैंडेजेस मार रहे हैं। तो कोबरा उनको थोड़ा बहुत बैक कवर देने के लिए आ चुके हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत नेट लगी है, तो बहुत ही प्यारा। अभी थोड़ा मेगाट्रॉन को भी देख लेते हैं, टोगो भी उधर बैठा हुआ है, तो कोबरा एक घर पे है, तो दूसरा उस साइड पे है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबली द बेस्ट थिंग इज ये लोग जो अभी जो फाइट ले रहे हैं इधर, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबली बहुत समझ के फाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जाएगा आगे उसको नॉक फिनिश किया जा सकता है, उनको नॉक फिनिश किया जा सकता है। तो ऑफ गार्ड आ चुके हैं मेगाट्रॉन को, और प्रकाश सोम ने मेगा सोम को देख भी चुके हैं अभी फिलहाल के टाइम के लिए, तो देखना पड़ेगा ये चीज। और गाइस बार बार मेरे को एक कॉल भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉल भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो इधर टोगो ऊपर आते हुए, तो ये लोग थोड़ा बहुत पीछे आ चुके हैं टीम नंबर 12, क्योंकि ये लोग फाइट लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम नंबर 3 भी बहुत कम नहीं है, ये लोग भी अपना छाप छोड़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पिक नहीं दे रहे, ओवर पिक कोई भी नहीं कर रहा है। और इधर टीम नंबर 3 भी अच्छे पोजिशन में, अच्छे खासे पोजिशन पर है, तो अगर करना चाहते हैं तो दो बंदा रोटेट करना पड़ेगा अगर उन लोगों को स्वाइप अप करना है। तो इधर मेगाट्रॉन अगर एक या दो हिट निकाल पाते हैं तो बहुत ही प्यारा, और इधर नॉक करते हुए नहीं, नॉक नहीं हुआ अभी तक, वो एक एचपी पे चला गया होगा आई थिंक शायद से। यस मेगाट्रॉन बहुत ही कम हेल्थ पे बचे हुए अभी,
तो उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। ओएलएस इलेक्ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अभी डैमेज पड़ता हुआ, तो टीम नंबर 12 ये लोग बहुत ही सेपरेट हो चुके हैं अभी भी टीम के लिए। तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है सीन, क्योंकि इधर फाइट थोड़ा जमने वाला है, क्योंकि दो टीमों का फाइट चल रहा है, तो इधर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और इधर जो साईफाई चल रहा है, तो इधर मिस्टर यमदूत की टीम अभी रुइंस पे है गाइस, तो इधर भी फाइट होने वाला है जोर्जो के साइड में, सिटी साइड में, आई थिंक जोर्जो के साइड में, मतलब कि अपार्टमेंट साइड में, जॉर्ज के अपार्ट के साइड में। तो देखा जा सकता है कि इधर बहुत सारे टीम्स है अभी भी, मिल्टा में दो टीम्स घूम रहा है, मिल्टा के साइड में, मिल्टा पावर मिल्टा के साइड में, और जो इधर पिमॉक्स में जो बसर मचा पड़ा हुआ है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। हम लोग दूसरे साइड पे भी चले जाएंगे अगर हम लोग थोड़े टाइम तक देख ले डिफ्यूज कोई हजीएक्स विजुअल्स ओपी। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, भाई दिखाएंगे सबको दिखाएंगे। तो टीम नंबर 3 आई थिंक मूव करते हुए, यस टीम नंबर 3 मूव करते हुए इस साइड से अभी ये लोग प्रीमॉक्स से निकल जाएंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये लोग प्रीमॉक्स छोड़ने वाले हैं अभी, तो प्रीमॉक्स छोड़ने का ही बेहतर पोजीशन रहेगा। लेकिन एम्पायर का ब्लू अभी ये बंदा जो है वो क्वेरी में जाके बैठा हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चलेंगे थोड़े और पास, तो देख लेंगे अभी ये लोग पीछे से आ रहे हैं। तो 1 HP फिनियर, तो ये जो टीम है ये टीम बहुत ही लगभग पास है, 17-6 और 5 की टीम जो स्कूल के साइड के अपार्टमेंट में आ चुके हैं। तो अपार्ट और ऊपर हिल्स एरिया में थोड़ा फाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों को देखिए टीम नंबर 6 आता हुआ इधर जेफ, क्योंकि उनको वो ओपन में है अभी थोड़ा बहुत टाइम के लिए, क्योंकि स्कूल में अगर बंदे हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, हम लोगों को देखा जा सकता है कि स्कूल में कोई बंदे नहीं है, और टीम नंबर 5 के बंदों ने पैक कर चुके हैं ये लोग कि हाँ इधर आ चुके हैं। ड्रैगन अरमान ने देख चुका है कि उसके पीछे बंदे हैं। तो गाइस एक सेकेंड गाइस, आई एम सॉरी गाइज, लिटरली सॉरी, क्योंकि थोड़ा घर से, मतलब कि पापा हॉस्पिटल में है, सब लोगों को पता है, तुम लोगों को जितने भी लोग खेल रहे हो, तो देट मीन्स वो गुवाहाटी में, तो अभी कॉल आया था तो थोड़ा बात कर लिया उनसे, आई एम सॉरी। तो उनको बोला मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, तो आई एम सो सॉरी गाइज। तो आई तो मोस्ट प्रोबेबली साउंड तो आ ही रहा होगा आप लोगों को अभी सभी लोगों को। तो चलिए गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग,
तो टीआरयू सम्राट इधर बैठे हुए टीम नंबर 17 के पास और बीटीएच ना तो पे इधर बैठे हुए, तो इधर थोड़ा बहुत फाइट बनने की आशंका है। थोड़ा बहुत तो फाइटें चल रही है टीम नंबर 6 और 5 के, थोड़ा बहुत टकरार चल रहा है तो अभी देखा जा सकता है। और इधर भाई पिक लेते हुए बहुत ही प्यारा डैमेज देते हुए अभी देखना पड़ेगा, तो उनको भी थोड़ा बहुत कर रहा है उनको भाई, उनका 50 HP के ऊपर आ चुका है भाई, 40 HP में ऐसा आ चुका है। तो देखा जा सकता है कि इधर भी फाइट अच्छा खासा चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा और दूर देखते हैं क्योंकि यमदूत लोग भी बैठे हुए हैं। तो इधर थोड़ा एंट्री गोडो पे ये लोग निकलते टाइम थोड़ा बहुत मुश्किलात बढ़ सकती है उधर, और इधर PME साइबरट्रॉन के टीम आ चुके हैं और इनका भिड़ंत हो सकता है गाड़ी में, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं गाइस। और गाइस आप लोग बताना कि कैसे स्ट्रीम लग रहा है आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दो, शेयर दबा दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। और गाइस आई होप मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बहुत ही क्लोज है 810 सब्सक्राइबर के तरफ, तो कर दो यार गाइस, 6 सब्सक्राइबर चाहिए और ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ। और इधर एम्प्रोर ब्लू मारते हुए, तो देखना पड़ेगा इधर क्यों फाइट चल रहा है, इधर किसके साथ फाइट चल रहा है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अच्छा एम्प्रोर ब्लू ने उसको नॉक किया हुआ है, तो देखना पड़ेगा डिमिट्री को, बहुत ही प्यारा। तो एम्प्रोर ब्लू इधर बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहे थे, मतलब कि इधर कैंप हो रहा था इधर से, तो वो अकेले बंदे ही बचे हुए थे। तो इधर NSG के दो बंदे को खा चुका है, मतलब कि एक बंदे को खा चुका है, डिमिट्री नाम है, सॉरी अगर मेरे से गलती से मतलब कि अलग नाम हो रहा है। और बहुत ही प्यारा स्प्रे था, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा होगा आई थिंक। और जीजी BTX मादारा को मारते हुए, NHP नेमेसिस BT ना टोपी को मारते हुए, तो भाई उधर भी फाइट चल रहा है, तो इधर एक बंदे को मार रहे हैं और उधर भसर मचा पड़ा हुआ है अपार्ट के साइड में, आई थिंक उस साइड पे भी फाइट चल रहा है। तो यमदूत लोग अभी रुइंस में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और इधर फाइट चल रहा है गाइस। तो जिधर फाइट चल रहा है हम लोग उधर ही जाते हैं, तो उधर जाके देख लेते क्या होता है सीन। और इधर मारते हुए भाई बहुत ही प्यारा, और इधर घर तक तो नेट नहीं जा रहा है, दो नेट मार चुके आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। इधर तीन बंदे बचे हुए हैं और उनके भी टीममेट्स आते होंगे, तो बहुत ही प्यारा अभी देखना पड़ेगा। टीम नंबर 16 और टीम नंबर 11 के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट चल रहे हैं, तो अभी देखना पड़ेगा अभी कैसे ये लोग टैकल करते हैं, अगर ये लोग फाइट लेंगे या फिर बैक करेंगे ये देखना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने उतना ज़्यादा खासा फाइट नहीं देखा है क्योंकि जस्ट बिकॉज जिस साइड पे फाइट होता है उस साइड पे रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये स्पेक्टेटिंग का नियम है और ये BGMI कब सॉल्व करेगा आई डोंट नो, क्योंकि फाइट करने से पहले थोड़ा बहुत इंडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ इधर फाइट होगा, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हम लोगों को। तो इधर नेट कुक करता हुआ अगर राइट साइड वाले विंडो में अगर MS-13 कैश अगर फेंकते तो उल्फ ने उधर TR विनम को मारते हुए बहुत ही बढ़िया, आई थिंक इधर ही है UZ के टीम का विनम। और इधर फ्लेम भी खेलते हुए, राजगोट भी खेलते हुए जो कि हम लोगों का नेवर गिव अप टीम के अंडर में खेलते थे टूर्नामेंट्स में, तो अभी तक दो ही टीम एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 5 और टीम नंबर 19, ठीक है चाइल्ड हेमन ये टीम नंबर 5 और टीम नंबर 19 अभी तक एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अभी तक बहुत भिड़ंत हो रहा है। और इधर फाइट चल रहा है, तो एक गाड़ी लेके आ रहा है तो पीछे से आते हुए और एक को नॉक भी कर दिया प्रियू ने, बहुत ही बढ़िया प्रियू बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हुए। तो A1 आसुरा A1 तुषार, तो A1 तुषार को मार दिया गया हुआ है, तो टीम नंबर 11 के तरफ से देखना पड़ेगा क्या इनिशिएटिव रहता है क्योंकि इधर एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है चार्ज के साइड में, तो एक बंदा अगर चार्ज के सामने नॉक पड़ा हुआ है। NG फेट को दिखा दो ब्रो, बाय द वे कीप इट अप, न्यू सब्सक्राइबर है यार, अरे लव यू मेरे भाई RJX विजुअल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और इधर यमदूत नॉक होता हुआ, और इधर फाइट चल रहा है थोड़ा बहुत, तो देखना पड़ेगा मिस्टर डेविल क्या करेंगे। मिस्टर डेविल भी नॉक पड़े हुए, तीन बंदे नॉक पड़े हुए अभी जी शोभी के ऊपर, सब कुछ धारण करे। और इधर जी पूरा नेवर गिव अप X RMC टीम के पूरे टीम को खा चुका है, टीम नंबर 14 के टीम T4D विनी को, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम नंबर 14 के द्वारा, लेकिन ये हर्ष देखना नहीं पड़ता बनता है यमदूत, ये लोग बहुत ही अच्छा प्ले करते थे और प्ले कर रहे हैं। आई थिंक इन लोगों ने एक भी चिकन भी निकाला हुआ है पहला राउंड तक, थोड़ा बहुत मैंने जाँच पड़ताल किए हुए उनके बारे में, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, कोई बात नहीं ये सब होता रहता है। तो T4D रायन आई थिंक
कोई भी हो T4D के टीम, बिग पापा वुल्फ, तो RYZ3NFTW, FTW ने 2 किल निकाला हुआ है, बिनी ने 1 किल निकाला हुआ है, बिग पापा ने 1 किल निकाला हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम, बहुत उमदा प्रदर्शन। मैड मैक्स 2.0, अरे बिग फैन सर, अरे लव यू सर, मैं भी बिग फैन हूँ मेरे भाई तुम्हारे। भाई देख कारण चला गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, उल्फ को मारते हुए उधर से, तो थोड़ा बहुत हम लोग इधर इधर थोड़ा बहुत देख लेते हैं उल्फ के टीम किधर कौन से साइड पे है, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना देखा जा रहा है भाई, जोन जितना छोटा होता जा रहा है उतने लोग पास में आते जा रहे हैं, अभी फाइट देखने को मिल सकता है मेरे भाई लोग। तो जो जो लोग देख रहे हो यार, खास करके जो जो लोग देख रहे हो स्क्रीम्स, गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और इधर भाई थोड़ा बहुत स्प्रे करते हुए और उन लोगों को टीम नंबर T4D के दिख गया है, टीम नंबर 4 के टीम को, बहुत ही प्यारा। तो अभी P4 क्या करते हैं, P4 अभी गाड़ी लेके निकल रहे हैं इस साइड से, और टीम नंबर P4 के टीम हेड हंटर ने भाई स्कोप से तो देखा हुआ है लेकिन उसने मारा नहीं अभी तक, एक भी शॉट्स नहीं लिया टीम नंबर 14 की तरफ से। तो अभी देखना पड़ेगा, बहुत सारे टीम फाइट चल रहा है भाई, अभी क्या करे भाई, इतना ज़्यादा फाइट चल रहा है तो फाइट तो दिखाना पड़ेगा ना। और ड्रॉप लोकेशन पे फाइट चला था तो NG के टीम आई थिंक एक टीम को स्वाइप अप कर चुके हैं, यस टीम नंबर 13 को स्वाइप अप कर चुके हैं CND के टीम को, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम, बहुत ही उमदा प्रदर्शन। और इधर टीम नंबर 20 भी स्वाइप अप होते हुए, तो थोड़ा बहुत टीम जोन के पास आते हुए तो ये लोग ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप के पास ही बैठे हुए, तो टीम नंबर 8 ड्रॉप के पास ही है, तो इधर वेयर हाउस है तो उनको डरने की कोई आशंका नहीं है। अभी देखो दिखा रहा है, ठीक है, पहले दिखा नहीं रहा था, अभी दिखा रहा है। तो इसे यही प्रॉब्लम है कि जिधर फाइट होता है हम लोग पहले देख नहीं पाते, तो दैट द मेन थिंग जो कि BGMI को सॉर्ट आउट करना है। तो आप लोग एक बार सपोर्ट में जाके ये बात करो कि जो जो स्पेक्टेटिंग करता है इमुलेटेड प्लेयर्स जितने भी है सारे, जो जो स्पेक्टेटिंग करते हैं कास्टिंग करते हैं, उन लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, तो हम लोगों के लिए एक अलग से डैशबोर्ड बनाया जाए रूम के लिए, तो हम लोगों को आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली। और इधर उल्फ बहुत बार नॉक हो चुके हैं, मैंने नाम देख चुका है TRZ, इधर TRZ के पास से जाते हुए, लेकिन TRZ ने कुछ नहीं किया। और इधर DFZ, फाइट लेते हुए, लेकिन भाई DFZ तो मिल नहीं रहा है, डेड शॉट, यस डेड शॉट इधर बैठे हुए, तो उनको देखना पड़ेगा। टीम नंबर 16 के 2 बंदे इधर, और A1 तुषार को पूरा फिनिश करते हुए, और टीम नंबर 16 को देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो टीम नंबर 16 को पूरा स्वाइप अप करते हुए टीम नंबर 11 की टीम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम, बहुत उमदा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, इसी तरह प्रदर्शन देते रहो, एकदम घातक प्रदर्शन। इधर और एक बंदा डेड शॉट नॉक होते हुए, तो बहुत ही प्यारा, इधर टीम नंबर ने बहुत ही प्यारा नॉकडाउन निकालते हुए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उमदा प्रदर्शन BT के टीम, उनके पीछे साइड पूरा एकदम ध्यान रख रहे हो। इधर एम्पायर ब्लू बहुत ही अच्छा खासा आगे अपने आगे उन्होंने बगी लगाया हुआ है ताकि प्रोटेक्शन उनको मिल जाए, सामने की तरफ से उनको दिखाई दे रहा है, और एक टीम उधर बैठा हुआ है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है वो अकेले बैठे हुए हैं, तो उनको नॉक फिनिश कुछ नहीं होना है, क्योंकि उनको नॉक होने के बाद उनको कोई बचाने वाला नहीं है। और इधर बगी में बहुत सारा स्प्रे आता हुआ, तो उधर थोड़ा बहुत चलते हैं, उनके साथ फाइट हो चुका है इवेंट की थोर के साथ, तो अभी देखा जाएगा, क्योंकि उनके पीछे भी बंदे आते हैं कोबरा गॉड किल, अगर कोबरा गॉड किल थर्ड पार्टी करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस बन सकता है कि उनको स्वाइप अप हो जाए इवेंट की क्लोन के साथ। तो आई थिंक BT अभी थोड़ा बहुत अच्छे स्पॉट में है BT, क्योंकि जोन भी आ रहा है, ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है जोन के लिए, 59 सेकेंड्स बचे हुए हैं, तो आई थिंक उन लोगों को जोन के तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, तो अगर जोन के तरफ बढ़ना पड़ेगा तो उनको किल भी निकालनी पड़ेगी, इवन क्यू अभी उन लोगों के लिए बाधा बन सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा, इवन क्यू विजन भी उधर बैठे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा क्या होता है सीन, क्योंकि इवन क्यू विजन भी उधर बैठे हुए हैं, तो उनकी विजन थोड़ा बहुत सेट कर रहे हैं, आई थिंक अपना स्कोप वोप ये सब चेक करें। थोड़ा बहुत लाइक शेयर कर दो विशाल मिश्रा, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, हे ब्रो हाउ आर यू, अरे बहारुल इस्लाम लव यू मेरे भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मेरे भाई। तो गाइस जितने भी लोग देख रहे हो गाइस, जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो।
और इधर बहुत और भी जगह से फाइट चल रही है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और मैंने जो कहा है इवन की थॉट आगे बढ़ते हुए, इवन की थॉट इवन क्यू के टीम बहुत ही आगे बढ़ते हुए, इवन क्यू के टीम कोबरा गॉड के लिए लोग भी आगे बढ़ते हुए, तो देखा जा सकता है TRU WYT ये जो YT की टीम जो है ये लोग भी आगे बढ़ते हुए। तो इधर तो थोड़ा बहुत फाइट बनते जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे टीम जोन के अंदर आ चुके हैं। यूएसलेस AF को दिखा देते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो इधर नॉकडाउन होते हुए एक नेट से तो नॉकडाउन किया हुआ है उनका एक टीम। TRZ पंकज मर चुके हैं इधर, और आई थिंक उनके पास ये लूट ले रहे हैं। तो उनके पास में टीम नंबर 3 के अंदर दिखते हुए बहुत ही प्यारा है। क्या होता है टीम नंबर 3 एक बंदे से दिखते हुए और एक दिखते हुए अर्शद उधर से आते हुए, और अर्शद बहुत ही स्पॉट में, और लेकिन टीम नंबर 15 को टीम नंबर 6 ने बहुत ही प्यारा से नॉकआउट करते हुए। तो अभी देख लेते हैं टीम नंबर 6 के ऊपर एंट्री होती है क्या, और इधर टीम नंबर 4 आगे पुश करते हुए टीम नंबर 6 के ऊपर। तो देखना पड़ेगा टीम नंबर 4 के टीम को टीम नंबर 6 खा चुके हैं। और ज़्यादातर देखने को मौका मिल सकता है कि भाई इन लोगों ने जितना स्वैप अप किया है ना, एक भी बंदा उनका मरा नहीं है, लेकिन टीम नंबर 4 आगे बढ़ते हुए। अगर टीम नंबर 4 सही टाइम पे अगर मौका देख के अगर पुश कर देता, अगर जल्दी जल्दी पुश कर देते तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली टीम नंबर 6 को खा सकते हैं, क्योंकि अभी सब लोग हीलिंग पे है, सब किसी के पास अभी उतना ज़्यादा हील नहीं है। अगर पहुँच सकते हैं तो बहुत ही प्यारा है। 1 HP 1 HP है, दो बंदे हैं तो ये लोग हील कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर पहुँचना है तो जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा ताकि ये लोग हील ना कर पाए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे टारगेट कर पाओ। तो एनर्जी के टीम भी आते हुए आगे, एनर्जी की टीम करते टीम नंबर 6 इधर बैठे हुए थे, टीम नंबर 4 अगर, और तंजीर इधर जोन के बाहर ही नॉकडाउन होते हुए। तो इधर तो एक टीम का आप लोगों ने फाइट देख लिया, तो इधर जीजी की टीम का फाइट है, और इधर और एक टीम का फाइट चल रहा है, अभी दुरंधर फाइट चल रहा है। और इधर भाई बहुत ही प्यारा टीम नंबर 14 के टीम का, टीम नंबर 14 के टीम उधर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली टीम नंबर 14 ने एक उनका जो है राइवल जो है उनको निकाल चुके हैं, आई थिंक ये जगह खाली कर चुके हैं। और इधर कोबरा के टीम का भी फाइट चल रहा है, तो फ्लेम भी मार रहा है। तो भाई बहुत ही प्यारा कस्टम हो रहा है भाई, बहुत ही प्यारा कस्टम हो रहा है। तो कोबरा गॉड किल बहुत ही प्यारा, DLS इलेक्ट्रिक भी आगे बढ़ते हुए, और N2Z LX ने TW सम्राट को मारते हुए बहुत ही फिनिश ऑफ कर दिया है। तो भाई बहुत ही प्यारा, अभी तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, और बहुत ही प्यारा इधर फाइट चलते हुए। गॉड किल बहुत ही जानबूझ के अपने आप को बचाते हुए खेल रहे। सामने टीम नंबर 18 के स्क्वाड है, और इधर उनका एक टीम नॉक होते हुए, इलेक्ट्रिक नॉक होते हुए, OLS इलेक्ट्रिक तो उसको उठा देंगे आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। और इधर उनके पास उतना ज़्यादा लूट भी नहीं है अभी फिलहाल के टाइम के लिए। तो अभी मेरे को कॉल भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ काम नहीं। बिग फैन देवदा कोर्नाडो गेमिंग, अरे लव यू मेरे भाई, इसी तरह प्यार बांटते रहो मेरे भाई लोग। तो अभी टीम नंबर 3 आई थिंक पुश कर देंगे, क्योंकि उनके पास जोन नहीं है, तो उनको बहुत बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो उनको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। और इधर करते हुए और मेगाट्रॉन को मारते हुए बहुत ही प्यारा, इलेक्ट्रिक को मारते हुए आई थिंक बहुत प्रॉब्लम, मेगाट्रॉन को भी ले लेंगे, तो मेगाट्रॉन को ले सकते हैं। और इधर भाई क्लोन नॉक होते हुए दो बंदे को नॉक कर दिया, और UNQ विजन आगे बढ़ते हुए, आई थिंक उन लोगों को बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी जोन बहुत ही आगे बढ़ता हुआ और ये लोग मर जाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन UNQ थोर के, दो बंदे मरते हुए, UNQ विजन ही बचा हुआ है, अगर गाड़ी में दो बुलेट भी लग गए तो आई थिंक मर जाएंगे ये लोग। और ये इधर बहुत सारे दो टीम मर चुके हैं, आई थिंक शेदार भी मर जाएंगे, N2G ट्रैक भी मर जाएंगे, और बैटशॉट भी मर जाएंगे। बहुत ही प्यारे आगे थोड़ा प्रोटेक्ट बनाते हुए उन्होंने, और उनको बहुत ही चारों तरफ से उनको स्पॉट मिल रहा है, और चारों तरफ से गोली खा रहे हैं। और इधर N2G एलेक्स ने बहुत ही प्यारा शानदार स्प्रे करते हुए बहुत ही प्यारा उनको नॉकडाउन कर दिया, और TRZ टॉक्सिक इधर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी नेट पड़ता ही जा रहा है टीम नंबर 10 के तरफ से। तो अभी क्या ही बताएगा इसे, एकदम धुआधार प्लानिंग और धुआधार फाइटिंग चल रही है, और इधर भी बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। तो अभी इनको दिखा जाते हो, तो उन्होंने नॉकडाउन करते हुए तो टीम नंबर 14 आगे बढ़ते हुए, और टीम नंबर 12 भी आगे है, आई थिंक ये लोग भी ओपन में बैठे हुए हैं। तो गाइज ओपन में जोन है, और टीम नंबर 24 ओपन से आते हुए, तो प्रकाशों में ये लोग देख नहीं रहे क्या, या फिर उन लोगों ने मारने का ठान ही नहीं है, पता नहीं है उनका।
तो प्रकाशों में इधर एचपीयू टोगो नॉकडाउन है, तो आई थिंक उन लोगों को मार देना चाहिए था। एक बंदे को अगर नॉकडाउन करते तो दूसरा बंदा रिवाइव देने आ जाता, क्योंकि ओपन में और एक बंदा है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ब्लैंक फायर फ्री फायर देते हुए, क्योंकि उनका दो बंदे का बहुत ही कम हेल्थ है। और मेगाट्रॉन फिर से रिवाइव होते हुए और अपने आप को हीलिंग करेंगे। अभी रीच है उनके पास, थोड़ा बहुत छुपने का जगह है। तो टीम नंबर 11 अभी ओपन में है। अभी टीम नंबर 11 को देखना पड़ेगा। अभी टीम नंबर 11 आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा भाई। बहुत हैकर्स है भाई कस्टम में, क्लासिक से ज़्यादा हैकर्स है कस्टम में। हो सकता है भाई शिवम भट्टाचार्य, मेरे को पता नहीं। और फ्लेम इधर आ गया और फ्लेम को स्प्रे करते हुए बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम MS-13 इजी ओपी। लेकिन जोन आगे बढ़ता हुआ, जोन काट रहा है उनको, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ ले रहा है। अगर जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे और इधर ही नॉकडाउन फिनिश होते हुए टीम नंबर थ्री के टीम को आई थिंक टीम नंबर थ्री थे आई थिंक ये लोग, तो कोई भी टीम हो। और इधर बहुत ही बसर मच गया है, तो जोन के बाहर ही ऑलमोस्ट जोन के बाहर ही पूरे टीम्स है। तो टीम नंबर 22 इधर बैठे हुए, टीम नंबर 4 को आगे आना है। तो टीम नंबर 22 को पता है उनके पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है, क्योंकि उनके साइड में ये यूएजेड राजगोट फ्लेम और यूएजेड आदित्य हुआई थी। तो ये लोग 14 के टीम के साथ आई थिंक फाइट कर रहे हैं। यस, टीम नंबर 22 14 के टीम के साथ फाइट कर रहे हैं। टीम नंबर 21, तो इधर टीम नंबर 21 आगे आ चुके हैं। आई थिंक ये लोग यूएजेड बहुत ही गलती कर दिया उन्होंने, और इधर उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि टीम नंबर 21 को छोड़ के वो पीछे आने के कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बैक करने की तब तक उन लोगों का क्या हुआ था, उसको नॉक कर दिया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उमदा प्रदर्शन। तो बाकी का टीम नंबर फोर का ओपी को बहुत ही प्यारा हेड हंटर के तरफ से स्प्रे जाता हुआ, और विंजेक्स को देख लेते हो, बहुत ही प्यारा। टीम नंबर 14 और टीम नंबर 22 के बीच के फासले को टीम नंबर 22 और टीम नंबर 14 के बीच में वेनेक्स विशाल को देख लेते हैं। थोड़ा भी वेनेक्स विशाल क्या बाहर निकल के आगे जा रहे हैं। वेनेक्स विशाल बहुत ही प्यारा स्मोक के थ्रू मारते हुए, बहुत ही उमदा प्रदर्शन वेनेक्स XNX विशाल। आई थिंक उन लोगों को लोकेशन पता होगा, तो प्री फायर देते हुए पता नहीं MHX स्काई जोरेक्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उमदा प्रदर्शन। और इधर मोली डालते हुए घर प्रदर्शन। टीम नंबर 21 तो आगे नहीं आया, लेकिन टीम नंबर 4 बेशक राश कर दिए है, और उनका तीन टीम एक ही टीम बचा हुआ है। तो उनका पूरा टीम मर चुका है, और एक ही टीम जीत गया है, वो टीम है उल्फ के टीम, फ्लेम के टीम, यूएजेड राजगोट और यूएजेड आदित्य वाईटी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम, बहुत ही उमदा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। इसी तरह प्ले करते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, क्या ही बताए, बहुत ही प्यारा उमदा प्रदर्शन किया हुआ है। लेकिन एक ही चीज़ है भाई, क्योंकि मैं लास्ट का फाइट उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, क्योंकि ये उसमें थोड़ा बहुत वो है कि देखो भाई सब जगह फाइट चल रहे हैं, मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं दिखाने का कोशिश किया है। देन आई एम सॉरी अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुआ है, अगर मेरे तरफ से अगर कोई चूक हुआ है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और जो इसके लिए मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को बुरा लगता है जब कोई एक बंदा अकेले तीन बंदे स्क्वाड को खा जाते हैं, अकेले पूरे स्क्वाड को खा जाते हैं, लेकिन वो फाइट में दिखा नहीं पाता, उस बंदे को मैं निखार के सामने नहीं ले आ पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं अकेला हैंडल करता हूँ ये सब चीज़ें, स्क्वाड के टीम को पूरा अकेला हैंडल करता हूँ, ये जो कस्टम का सीन होता है। तो भाई उस सीन में क्या होता है कि हम लोगों को आगे से पहले से पता नहीं होता है, और जो लोग बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो लोग ये लोग जो कस्टम करवाते हैं उसमें से क्या होता है, क्योंकि ये लोग क्या होता है, ये लोग होता है कि इन लोगों के पास सब कुछ होता है, इन लोगों के पास अलग से अपना मॉडेम रहता है, अलग से अपना स्क्रीन्स रहता है, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ इधर मान के चलो इधर आप लोग फाइट कर रहे हो, तो उनको इंडिकेशन आ जाते हैं क्या इधर अभी फाइट होएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, तो इधर ये लोग मूव करवा देते हैं स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को फाइट देखने को मिले। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप लोग कृपया करके अगर आप लोग चाहते हो कि आगे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेक्टेटिंग हो, तो आप लोगों को BGMI को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को आगे से बोलना पड़ेगा कि जो
लोगों की कस्टम में जो होता है स्पेक्टेटिंग का फॉर्मूला, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए कि जो भी बंदे 2x2 meter में आए तभी मैप में मार्क दिखा जाए, या फिर इंडिकेशन आए कि हाँ इधर फाइट होने वाला है तो हम लोग तुरंत ही उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि उन बंदों को फाइट दिखा के मैं फिर से वापस आ सकता हूँ उस बंदे में। क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ इधर बंदे फाइट अभी कर लेंगे लेकिन बहुत लेट हो जाता है, तब तक दूसरा फाइट स्टार्ट हो जाता है, और इधर जब फाइट होता है मैं इधर से इधर मूव हो जाता हूँ तो इधर का फाइट चालू हो जाता है। तो आई एम सो सॉरी मेरे भाई लोग, ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा मेरे तरफ से, मेरे भाई लोग ये आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और मेरे तरफ से अगर कोई चूक हुआ है तो आई एम रियली सॉरी मेरे भाई लोग। अगर आप लोगों को ये स्ट्रीम पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और फिलहाल तो भाई उल्फ के टीम को बिग बिग शाउट आउट मेरे तरफ से, और गाइस स्पैम हो जाए यूवर्जेट राजगोट और यूवर्जेट आदित्य वाईटी, एकदम स्पैम हो जाए, ओपी लिख के स्पैम कर दो, फ्लेम को स्पैम कर दो, उल्फ को स्पैम कर दो, एकदम खतरनाक खेले, एकदम गांडफाड़ प्रदर्शन जो बोले, एकदम खतरनाक, एकदम चुम्मेश्वरी प्रदर्शन देते हुए ये लोग एकदम खतरनाक हुए, एकदम क्या बोले, मैं कुछ बोलने का नहीं है, माय हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम्स सब टीम जितने भी खेले हो, कोई आगे फिनिश हो गया कोई पीछे फिनिश हो गया, लेकिन आप लोगों को ये एक अचीवमेंट है कि आप लोग पहले फाइनल फिनाले तक आए हो, बहुत ही प्यारा, और ये कोई पीएमसी हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के जगह पे ही होता है कि हाँ मेरे को जितना ही है, सब लोगों का टेंडेंसी रहता है कि हाँ मेरे को जितना ही है, मेरे को जितना ही है, तो गाइस सब लोग आते हैं जितने के लिए आते हैं। तो गाइस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये एंड नहीं है, आगे बहुत सारा टूर्नामेंट आने वाला है, और हम लोग सामने आगे जाके नेवर गिव अप का टूर्नामेंट फिर से रिज्यूम होगा। तो आप लोग सोचो, नेवर गिव अप हर दिन टूर्नामेंट करवाता था, जो कि प्रैक्टिस टूर्नामेंट होता है, जो कि अभी स्काईनेट और बहुत सारे स्पोर्ट्स के टीम करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रैक्टिस मैच के लिए। तो गाइज आप लोग भी आओ, खेलो, सपोर्ट करो, ताकि एक जिस चैनल पे हो उस चैनल का भी ग्रोथ हो, और आप लोग भी अपना स्किल्स को डेवलप कर पाओ। क्योंकि अगर आप क्लासिक में जाओगे तो इधर तो आधातर बॉट ही रहता है मान के चलो, और इधर आपको रियल प्लेयर मिलेंगे, इधर एकदम कॉम्पिटिशन, टफेस्ट कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो गाइज आज का जो विनर है, तो ये सब तो बातें साइड पर रखते हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं विनर के। तो आज का विनर है उल्फ के टीम, फ्लेम के टीम, यूवर्जेट राजगोट और यूवर्जेट आदित्य वाईटी, 4 किल किए हैं, राजगोट ने 3 किल किए हैं, फ्लेम ने 2 फिनिशेस लिए हैं, और उल्फ ने एक भी फिनिशेस नहीं लिया है, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा सपोर्ट होएगा उसके टीम के लिए, एकदम खतरनाक प्रदर्शन देते हुए, गांडफाड़ प्रदर्शन दे दिया भाई तुम लोगों ने, एकदम मेरे तरफ से लव यू मेरे भाई लोग, एकदम बिग पुच्छी मेरे तरफ से, एकदम गिली चुम्मी मेरे भाई, भाई बंदा फैन, अरे पबजी मेमर, लव यू मेरे भाई लोग। और गाइस एक बार स्पैम कर दो यार गाइस उन लोगों के नाम के लिए, फ्लेम, यूवर्जेट राजगोट एंड आदित्य वाईटी, स्पैम कर दो यार गाइस, एकदम उल्फ, एकदम स्पैम कर दो पबजी मेमर भाई, बिग फैन, बिग टेबल फैन मेरे भाई, अरे भाई मैं भी तुम्हारे एकदम सीलिंग फैन हूँ भाई, तुम टेबल फैन हो तो मैं तुम्हारे लिए सीलिंग फैन हूँ मेरे भाई। तो टीम नंबर 2 पे चलते हैं, T40 बिनी 4 फिनिशेस दिए, T40 RYZ3 एंड FTW, भाई तोरा नाम छोटा कर दो भाई मेरे, T40 भाई, तो या तो फिर मेरे को स्पेलिंग बोल दो यार, 4 फिनिशेस लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उमदा गांडफाड़ प्रदर्शन बोलते भाई, एकदम T40 बिग पप्पा ने 6 फिनिशेस लिए, एकदम ओपी प्रदर्शन, एकदम घातक प्रदर्शन देते हुए, एकदम गिली चुम्मी मेरे भाई, बिग पापा, एकदम बिग पापा के जैसे खेले भी हो, सबके बड़े पापा हो तुम, एकदम 6 फिनिशेस लिए भाई, बंदे में दम है, 6 फिनिशेस ले लिए बंदे ने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम मेरे भाई लोग। बीटी उल्फ ने एक भी फिनिशेस नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम, बहुत ही उम्र प्रदर्शन, इसी तरह प्ले करते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, और इसी तरह एकदम गांडफाड़ प्रदर्शन देते रहो, ताकि आगे जाके आप लोगों का T40 एक ब्रांड बन जाए मेरे भाई लोग, एकदम एक अंडरडॉग टीम अगर ऊपर उठ के आते अचानक तो सोचो लोग कैसे बढ़ते हैं, कि भाई T40 ने एकदम गांड मार दी सबकी। यूवर्जेट तो आज जीत ही गए, तो उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, एकदम ओपी खेले, लेकिन T40 भी किसी से कम नहीं है, 6 फिनिशेस है उनके पास, आई थिंक उनके पास ज़्यादा फिनिशेस है आज के मैच का, बिग पापा के पास आई थिंक मैच ऑफ द नहीं, NGX लेंचर का भी 6 फिनिशेस है मेरा भाई, तो देखूंगा एनजीएस लेंसर के पास भी आएंगे हम लोग। तो इधर टीम नंबर 3 पे चलते हैं, P4, तो इधर बीटी के टीम को एक भी शाउट आउट दे दो मेरे भाई लोग, आप लोग भी स्पैम कर दो,
T4D एकदम घातक प्रदर्शन। तो चलिए अभी अब हम लोग टीम नंबर 3 के तरफ चलते हैं। P4 एंट्री गॉड OP, 1 फिनिशर्स P4 हेड हंटर, 2 फिनिशर्स P4 नोबा OP, एक भी फिनिशर्स नहीं है। P4 विंसेक्स OP ने 5 मिनट फिनिश लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अजम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। इसी तरफ लेकर तो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, एकदम कानफर प्रदर्शन, एकदम घातक प्रदर्शन, इसी तरफ लेकर रहना, आगे बढ़ते रहना मेरे भाई लोग। जी बॉयस, तो टीम नंबर 4 पे चलते हैं। MH स्काई जोरेक्स आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यही नाम होगा, अगर मेरे से गलती से भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है तो माफ कर दियो मेरे भाई। तो टीम नंबर 4 पे 1 फिनिशर्स लिए है। XNX विशाल ने 4 फिनिशर्स लिए, लेकिन XNX अगर और एक लग जाता तो अलग ही नाम होता भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। मैं थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत माना विशाल। तो 4 फिनिशर्स लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई। इसी तरफ लेकर तो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, और एक बंदे का नाम नहीं है उनके टीम का, 1 फिनिशर्स लिए। INS रॉक OP ने 3 फिनिशर्स लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। इसी तरफ लेकर रहो ना, आगे बढ़ते रहना मेरे भाई लोग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम मेरे भाई, घातक प्रदर्शन। इसी तरफ लेकर रहो और एकदम बहुत ही प्यारा। तो गाइस 14 पीपल्स आर बाय स्क्रीन स्क्रॉल करो, हाँ मेरे भाई करते। और इधर टीम नंबर 5 पे चलते हैं। TRW बीस्ट 0 फिनिशर्स, TRW प्रदीप 0 फिनिशर्स, TRW सम्राट 0 फिनिशर्स, TRW लियो ने 0 फिनिशर्स लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। लेकिन कोई बात नहीं यार, फिनिशर्स जरूरी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया खेला है, टीम नंबर 5 स्पॉट में आए हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम। इसी तरफ ले करते रहना, आगे बढ़ते रहना मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम एंड ज्वाइनिंग दिस मतलब टूर्नामेंट पे ज्वाइन करने के लिए मेरा भाई। इंग्लिश की माँ चोट डाला भाई मैं तो, ये बात तो अलग ही है, गान फाड़ देने वाला स्ट्रीम होता ही है, लेकिन आज थोड़ा गाली कम दिया क्योंकि भाई देखो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहा हो, आगे आके गाली दे रहा हो, तो दिस इज नॉट मेटा ना भाई, आगे आके मैं मेरा अपना ही चालू कर दूँ, दिस इज नॉट मेटा। वेल प्लेड बॉयज, बहुत ही अच्छा मैच था, एंड स्ट्रीम OP, लव यू मेरे भाई दीपजॉय, गान पर बोलते पब्लिक। तो टीम नंबर 6 पे चलते हैं। MS13 वाली 0 फिनिशर्स, MS13 कैश 1 फिनिशर्स, MS13 इजी OP 2 फिनिशर्स, एंड DFZ डेड शॉट 0 फिनिशर्स। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। इसी तरफ लेकर रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो टीम नंबर 7 पे चलते हैं। HFW टोगो 2 फिनिशर्स, PME साइबरट्रॉन 0 फिनिशर्स, प्रकाश सोम 0 फिनिशर्स, PME मेगाट्रॉन 0 फिनिशर्स। कोई बात नहीं, HFU टोगो बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन पूरे टीम को, बहुत ही प्यारा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। इसी तरफ लेकर तो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग। तो टीम नंबर 8 पे चलते हैं। B4P प्रंजल OP, ओके प्रंजल OP 0 फिनिशर्स, रश OP 0 फिनिशर्स, पीयूष OP 0 फिनिशर्स, एंड OP प्रियो 1 फिनिशर्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, एकदम घातक प्रदर्शन, लव यू मेरे भाई, एकदम जीजी बोलते। तो टीम नंबर 9 पे चलते हैं। N2G नेक्स्टर वाई टी 2 फिनिशर्स, N2G क्रैक 0 फिनिशर्स, N2G एलेक्स 3 फिनिशर्स, N2G सनी 0 फिनिशर्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन N2G के टीम को, बहुत ही प्यारा। इसी तरह प्ले करते रहना, आगे बढ़ते रहना मेरे भाई लोग, और गान फॉर प्रदर्शन देते रहो, हर एक स्क्रीम्स में जाके अपना नाम रोशन करो, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग। तो टीम नंबर 10 पे चलते हैं। TRZ विनम ओके 0 फिनिशर्स, TRZ डिफाइन एक्स 0 फिनिशर्स, TRZ R2K 0 फिनिशर्स, TRZ टॉक्सिक 2 फिनिशर्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही असम, बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, एकदम जीजी प्रदर्शन। तो इसी तरह प्ले करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग। NG Fate 3 फिनिशर्स, थोड़ा पानी पी लिया गाइस मैंने, गला बैठ गया था, तो NGX गला दर्द कर रहा था भाई, दर्द हो रहा था मेरे गला में, आज 40 प्लस वाचिंग था, अरे यस दीपजॉय, एकदम घातक वाचिंग था भाई, एकदम सब लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन दिया, एकदम व्यूअर्स ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया, अभी तक स्टिल 16 वाचिंग है, बहुत ही प्यारा मेरा, लव यू मेरे भाई लोग। इसी तरह सपोर्ट करते रहना मेरे भाई लोग, और आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, और हर रोज़ स्ट्रीम होता है BGMI का, हर रोज़ आना आप लोग स्ट्रीम पे,
ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं भी अच्छा कर पाओ। अच्छा खेलता नहीं हूँ, इतना प्रो नहीं हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन हाँ भाई थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करने आ सकते हो अगर आप लोगों का मन चाहे तो। तो टीम नंबर 12 पे चलते हैं अभी, एनजीएक्स नहीं नहीं बोला नहीं, तो टीम नंबर 11 पे चलते हैं। एनजीएक्स फेस 3 फिनिशेस, एनजीएक्स बीस्ट, अच्छा बीस्ट ही बोल देता हूँ, 1 फिनिशेस एनजीएक्स ग्रीक गॉड ने, 0 फिनिश लिया एनजीएक्स लेंचर ने, 6 फिनिशेस लिया। तो आज टीडी बिग पापा एंड एनसीएक्स एनजीएक्स लेंचर बेस्ट प्लेयर ऑफ द डे है, क्योंकि उन लोगों ने 6 फिनिशेस लिया है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एकदम ऑसम प्ले, घातक प्रदर्शन मेरे भाई लोग। तो टीम नंबर इसी तरह प्ले करते रहो यार एनजीएक्स की टीम, और एकदम बुंड मारते रहो सबकी, एकदम गांड खोल डालो एकदम सबकी। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दस मेरे भाई लोग, एंड इसी तरह प्ले करते रहो मेरे भाई। तो टीम नंबर 12 पे चलते हैं, रेश ओपी 0 फिनिशेस, ओएसएल मेगाट्रॉन 0 फिनिशेस, ओएसएल इलेक्ट्रिक 0 फिनिशेस, कोबरा गॉडकिल 2 फिनिशेस। तो मेरे भाई लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दस मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड इसी तरह प्ले करते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, और मचाते रहो एकदम एकदम घातक मचाते रहो, ताकि तुम्हारे बारे में लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे, भाई ये लोग आएंगे तो भाई खेलूंगा ही नहीं भाई, मतलब कि ऐसा खेलो गाइस। अगर आप लोग किसी कस्टम में घुस गए तो बोलना चाहिए कि भाई ये लोग आ गए तो भाई ये लोग ही चिकन लेंगे, आज हम लोग ले नहीं पाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए, तुम लोगों को देख के डरना चाहिए लोगों को। ऐसा खेलो गाइस, एकदम बूंद मार दो, जिसकी भी माना है ना एकदम, खास करके इतना बूंद मारना कि एकदम भाई वो चिके, जब वो टट्टी करने निकले तो भाई तुम्हारी गोल बुलेट निकले उसके टट्टी में से, ऐसा खेलो। तो टीम नंबर 13 पे चलते हैं, यूएनक्यू विजन 1 फिनिशेस, यूएनक्यू क्लोन, मेरे मुँह से शब्द निकल गया, बहुत ही प्यारा शब्द निकल गया, सॉरी। यूएनक्यू क्लोन 1 फिनिशेस, यूएनक्यू थॉर 0 फिनिशेस, यूएनक्यू जॉट 0 फिनिशेस। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, कोई बात नहीं यार, टीम नंबर 13 पे आयो, बहुत ही प्यारा, लेकिन तुम लोगों का भी देखा मैंने स्क्रीन्स पे, उन लोगों चारों तरफ से उन लोगों पे पड़ रहा था, तो कोई बचने का चांसेस ही नहीं था, लेकिन बहुत ही प्यारा, उसमें से भी 2 फिनिशर्स निकला है। लव यू मेरे भाई लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई। तो टीम नंबर 14 पे चलते हैं, तनजीर आई डोंट नो। तो 3 फिनिशर्स है, बीएस कोयोमी 0 फिनिशर्स, बीएस डेडशॉट 0 फिनिशर्स, बीएस शीडर 0 फिनिशर्स। तो लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग, इसी तरह बुन मारते रहो और आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड एकदम ओपी बोलते पब्लिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सॉरी भाई, थोड़ा एक सेकंड रेस्ट ले सकता हो क्या गाइस। तो टीम नंबर 15 पे चलते हैं, 1 HP फेंड्रिक 3 फिनिशेस, जीजी बॉम्बा ओपी बुम्बाम ओपी सॉरी बुम्बाम ये मेरे भाई 3 फिनिशेस, 1 HP जैप 0 फिनिशेस, 1 HP नेमिसिस 1 फिनिशेस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम, बहुत उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही प्यारा, एकदम घातक प्रदर्शन बोलते पब्लिक, एकदम लव यू मेरे भाई, चुम्मा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। तो टीम नंबर 16 A1 असुरा 0 फिनिशेस, A1 तुषार 0 फिनिशेस, A1 देबो 0 फिनिशेस, एंड टाइसन 1 फिनिशेस। लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दस मेरे भाई लोग, इसी तरह प्ले करते रहो और बुंड मारते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई। तो टीम नंबर 7 पे चलते हैं, NSG रेंजर 0 फिनिशेस, NG डिमिट्री 0 फिनिशेस, NG ब्लैक कैट 0 फिनिशेस, बाइपर 0 फिनिशेस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, इसी तरह प्ले करते रहो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग। तो टीम नंबर 18 पे चलते हैं, TRZ कंबुल X 1 फिनिशेस, TRZ हैजर्ड 0 फिनिशेस, TRZ पंकज 0 फिनिशेस, यूजलेस F 0 फिनिशेस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई लोग, इसी तरह प्ले करते रहना आगे बढ़ते रहना मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एकदम ओपी प्रदर्शन। तो टीम नंबर 19 पे चलते हैं, TRZ 7 0 फिनिशेस, TRZ लियो 0 फिनिशेस, TRZ ब्रावो 0 फिनिशेस, TRZ टाइटन ओपी 0 फिनिशेस। कोई बात नहीं यार गाइस, आप लोग आगे भी बहुत बहुत बढ़िया खेल सकते हो, और आप लोग बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हो, आप लोग कर सकते हो। तो दो आई थिंक उन लोगों का दो लाइनअप ने खेला हुआ है TRZ के, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत उम्दा प्रदर्शन। कोई बात नहीं यार गाइस, तुम लोगों ने थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग, तुम लोग आए हो तो लव यू मेरे भाई लोग, और कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जाके पापा को कॉल करना है। तो गाइस तुम्हारे बाबा हेल्थ ठीक हुई से नहीं भाई? यस भाई, अभी आडी गेमिंग ओहन एक तो ठीक है सुन भाई, माने लाइक ओहन सीरियस ठीक है एक तो बाहरी सुन, सो लाइक दैट्स व्हाई आई एम हेयर। मैंने बोला कि चलो मैं कर देता हूँ स्ट्रीम कंटिन्यू, क्योंकि
दीपजो ने बोल के रखा था, मेरे को रिक्वेस्ट कर रखा था कि देवदा एक एवीपी की तरफ से, क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ तो मेरे को करना चाहिए। तो मेंबर मतलब कि मैं भी बहुत टाइम तक था उन लोगों के साथ, तो मैं फेंक नहीं सकता उनके बात को, जैसे कि टाल नहीं सकता कि नहीं भाई। तो मैंने बोला अभी पापा का हेल्थ अगर सही है तो मैं थोड़ा पिक ऑफ कर लेता हूँ उनको, मतलब कि थोड़ा इसको इसको ले लेता हूँ अपने काम पे और एक बार स्ट्रीम कर लेता हूँ। स्ट्रीम करने से कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा टाइम होगा, मतलब कि 1 घंटा लगेगा बस फिनिश, मतलब कि इतना इतना ही है तो मैं कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैं आज आया। तो गाइस मेरे पापा के लिए थोड़ा प्रे करो कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए इस चीज़ के लिए, तो ताकि आई होप मतलब घर आ जाएंगे आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली परसों या तरसों को। तो लाइक तो आप लोग प्रे करना बस पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी थोड़ा बहुत सीरियस से बाहर है, मतलब कि अभी पूरा कम्प्लीटली फिट एंड फाइन नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीरियस से बाहर है। तो थोड़ा बहुत आप लोग प्रे करना मेरे पापा के लिए। अरे लव यू मेरे भाई आरडी गेमिंग, लव यू। तो टीम नंबर 20 पे चलते हैं। एम्प्यूटर डेडी 0 फिनिशेस, एम्प्यूटर ब्लू 2 फिनिशेस। तो भाई खास करके मैं कोई सिंपति नहीं लेना चाहता और कुछ नहीं लेना चाहता, मैं ये चीज़ बोल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा के हेल्थ इश्यूज़ है, उसके लिए आप लोगों का स्ट्रीम नहीं रुकना चाहिए और आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आज इसलिए क्यों आया, क्योंकि मेरे को गेम खेलना पसंद है और मेरे को ये स्क्रीम्स करना पसंद है, क्योंकि मैं पीछे बात करता हूँ ये मेरा काम नहीं है, बस मैं खेलता हूँ। और मेरे को बहुत सारे प्लेयर्स भी मिले, बहुत फ्रेंड्स भी मिले इस गेम के द्वारा, और बहुत सारे गेम्स भी मैं खेलता हूँ, वेलोरेंट भी खेलता हूँ। लेकिन मतलब कि क्या है ना कि एक कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, और मतलब मैं आके मैं मेरे फीलिंग्स को बताऊँ, इतना ज़्यादा मेरा भी अभी हुआ नहीं है दोस्त लोग कि उतना फैन बेस भी नहीं बढ़ा कि हाँ मैं आके बता सकूँ या फिर कुछ। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों का अगर बुरा लग रहा है कि हाँ आके देखो बोल रहा है कैसे कैसे, तो भाई आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम फीलिंग गिल्टी, मतलब कि मेरे को फील गिल्टी होगा कि मैंने ऐसा, लेकिन अभी उसने क्या आरडी गेमिंग ने बोला है बोल के मैंने बोला कि उसको इन्फो कर देता हूँ। अभी पापा डेंजर से बाहर है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत हेल्प किया है, इन लोगों ने बहुत टाइम तक मेरा साथ दिया है, इन लोगों ने बहुत कॉल भी किया हुआ है, पूछा भी कैसा है क्या हो रहा है कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग भी आए मिलने को, देखने को आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और मतलब कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत सारे नए नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ और मेरे को इतना सपोर्ट किए बुरे वक्त में। तो आप लोग बुरे वक्त में भी साथ रहना और अच्छे वक्त के लिए तो मैं हूँ ही आप लोगों के लिए भाई, एकदम चुम्मा देखे हो आप लोगों के साथ। तो टीम नंबर 20 पे चलते हैं। चलो गाइस ये सब इमोशनल बातें साइड फाइट में रखते हुए हम लोग अभी गेम पे फोकस करते, गेम पे आ जाते हैं। थोड़ा लाइनअप से मैं बता दूंगा सब लोगों को, उसके बाद हम लोग खत्म कर देते हैं इस टीम को। तो टीम नंबर 20 पे चलते हैं। एम्प्यूटर डेडी 0 फिनिशेस, एम्प्यूटर ब्लू 2 फिनिशेस, एम्प्यूटर डाइनो 0 फिनिशेस, मंजीत सिंह 0 फिनिशेस। तो लव यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस मेरे भाई लोग, एंड इसी तरह प्ले करते रहो और गान फाड़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई। तो टीम नंबर 21 पे चलते हैं। सीएनटी नयन 0 फिनिशेस, सीएनटी विप्लव 0 फिनिशेस, सीएनटी प्रियू 1 फिनिशेस, सीएनटी अंकित 0 फिनिशेस। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड ओपी प्रदर्शन देते हुए मेरे भाई लोग, इसी तरह प्ले करते रहो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, लव यू। और टीम नंबर 22 पे चलते हैं। मिस्टर सौरभ 0 फिनिशेस, मिस्टर डेविल 0 फिनिशेस, जीजी शोभिक 0 फिनिशेस, मिस्टर यमदूत 0 फिनिशेस। कोई बात नहीं यार गाइस, आप लोग भी बहुत बढ़िया खेलते हो, लेकिन आज चला नहीं, हर एक दिन हर एक टीम का चलता नहीं है, कभी कभार हो जाता है। तो कोई बात नहीं यार, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरे को पता है नेवर गिव अप बैक, नेवर गिव अप बैक आएगा मेरे भाई लोग, और जिस दिन आएगा उस दिन सबकी बुंड फाड़ेगा। तो कोई बात नहीं है गाइस मेरे भाई लोग, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस, तुम लोगों को क्या ही बोलूं भाई। तो लव यू मेरे भाई लोग, यमदूत, शोभिक, डेविल एंड सौरभ, लव यू। तो टीम नंबर 23 पे चलते हैं। चाइल्ड हेमन 0 फिनिशेस, बीटीएच ना तो कि 0 फिनिशेस, बीटीएच मदारा 0 फिनिशेस, ड्रैगो अरमान 1 फिनिशेस। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई, एंड इसी तरह प्ले करते रहो आगे बढ़ते रहो मेरे भाई लोग, लव यू मेरे भाई लोग।
एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो टीम नंबर 24 पे चलते हैं, जुक सामा वन फिनिशर्स, स्वागत माजिद, स्वागत माजिद एमजीत जीरो फिनिशर्स, टेडी सामा जीरो फिनिशर्स, एसए 12 प्रॉक्सी जीरो फिनिशर्स। तो कोई बात नहीं मेरे भाई लोग, आप लोग भी बहुत बढ़िया खेले। तो टीम 24 टीम्स आ चुके हैं और हम लोग टीम 24 को देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सभी लोगों को देव रॉयल लाइव में आने के लिए। और जितने भी लोग आए हो और जितने भी लोग अभी तक देख रहे हो, आप लोग कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। चाहते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे पापा के लिए थोड़ा बहुत प्रे करना, ताकि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए मेरे पापा और मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँ हम लोगों का नेवर गिव अप टूर्नामेंट को लेके, फिर से वापस एकदम मचाने वाला टूर्नामेंट को लेके, हर दिन का हर रोज़ का। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस उल्फ, उल्फ के टीम को, फ्लेम के मतलब ये फ्लेम यूवरजीत रश गॉड एंड यूवरजीत आदित्य वाइटी। तो आज का विनर हम लोगों को मिल चुका है मेरे भाई लोग। तो गाइस जाओ इंजॉय करो, मजे करो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और गाइस आज के लिए बस इतना तक ही था आप लोगों के लिए। तो मैं इधर ES पे क्लिक करता हूँ और इधर भाई NGX लांसर सबसे ज़्यादा है विंजेक्स, इधर थोड़ा चाइनीज़ पे लिखा हुआ आता है, इसके लिए क्या लिखा हुआ आता है बोसरी का पता ही नहीं चलता। बहन चौधरी लिखा हुआ क्या है, बेस्ट फिनिशर्स है या क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो 3 प्लेयर्स का नाम है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये डैमेज होगा, ये आई थिंक क्या है भाई, आई डोंट नो एनीथिंग क्या हो रहा है। ये आई थिंक कील है, आई थिंक एसिस्ट है भाई, पता नहीं। यूएरजे आदित्य वाइटी का नाम आया, P4 विंजेक्स ओपी का नाम आया, एनजेक्स लेंसर का नाम आया। तो लव यू मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत ही प्यारा खेले हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मेरे भाई लोग। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। तो एग्जिट पे दबाता हूँ और मैं गेम पे घुस जाऊँगा अभी। तो मैं गेम नहीं खेलूँगा अभी, अभी मैं स्ट्रीम ऑफ कर दूँगा, जस्ट बिकॉज अभी स्ट्रीम ऑफ करूँगा क्योंकि अभी कॉल करना है, बातें भी करनी है पापा से। तो अभी जा रहा हूँ मैं। तो जितने भी लोग आए हो, देखे हो आज का स्क्रीम, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर कोई भी स्क्रीम्स करवाना चाहते हो तो मेरे साथ बात कर सकते हो। पेड स्क्रीम भी करता हूँ मैं और फ्री के भी स्क्रीम्स करता हूँ, तो वो बात अलग है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अगर किसी को स्क्रीम्स करवाना हो तो मेरे साथ बात कर सकते हो, ये आपका मर्जी है, लेकिन मैं स्क्रीम्स करता रहता हूँ। अगर कोई अप्रोच करते तो मैं करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग अभी तक देखने के लिए। और जो जो लोग आए हो पबजी मीमर केमोन आसो बा, अरे बहुत ही प्यारा मेरा भाई पबजी मीमर, तुम्हें खो तुम्हें की रोम आसो। तो जय बारा का सोपरा इटी कोई राम, थैंक यू सो मच तुम्हारा सब आईसो, मजा लागसे सिलेटीते कोई राम, एकदम सोपरे हमार बुक बड़ा भालोबासा, एकदम हमार बुकर तोलर किडनी लिवर टीका, एकदम बुक बड़ा भालोबासा सब दिया, एकदम बुक बड़ा भालोबासा तुम्हारा रे दिलाम, एकदम बिग पुच्ची। तो चलो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड चलो मिलते हैं कल फिर से। और अगर कल स्क्रीम्स होगा या पता नहीं, लेकिन मैं खेलूँगा कल, इतना श्योर पता है। अगर सब कुछ सही सलामत रहा, पापा का रिपोर्ट सब कुछ सही सलामत हुआ, तो मैं कल आ जाऊँगा स्ट्रीम पे, आप लोगों को दिख जाएगी। तो ख़ास करके जिन जिन लोग आ रहे हो तो आप लोग एक बार आ जाना और सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जस्ट बिकॉज आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं लाइव पे आऊँ। तो शाउट आउट पबजी मेमर, बिग 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 शाउट आउट टू यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। तो मेरा सेकेंड चैनल है, अभी जो गाना चलेगा गाइज आप लोग सुन लेना मेरे गाने को। तो चलो है गाइज, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है म्यूजिक चैनल का, तो उधर जाके सुन लेना आप लोग, उस चैनल को भी अगर हो सके सपोर्ट कर देना मेरे भाई लोग। तो चलो है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए बस इतना तक ही था, चलो मिलते हैं कल, बाय। बहुत बार बाय बोल चुका हूँ लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, भोसरी वाले जाना तो फिर जा बोल रहा है, जा क्यों नहीं रहा है। तो मैं जा रहा हूँ भाई, अभी जा रहा हूँ, गुस्सा मत हो भाई, जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई, बिग पुच्ची मेरे भाई लोग, टाटा एंड गुड नाइट गाइज। और गाइज सब लोग अपना अपना फैमिली का, सब लोगों का ध्यान रखो, मम्मी पापा का और खुद का भी ध्यान रखो गाइज। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा और आज का स्क्रीन इधर ही खत्म करते हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड जाते हुए इतना ही बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, जय हिंद, लव यू मेरे भाई लोग। और जाते हुए इतना ही बोलूँगा, आज तो ईद था मेरे भाई लोग, सॉरी फॉरगेट दिस, मैं भूल गया था आते टाइम बोलने के लिए। तो जितने भी मेरे मुसलमान भाई लोग हो और जितने भी मेरे मतलब कि
सब लोगों को ईद मुबारक मेरे भाई लोग। इन्जॉय करो, बहुत बढ़िया से इन्जॉय करो, एकदम गान फाड़ दो, मतलब कि इतना इन्जॉय करो कि भाई खुद की गान फाड़ जाए, मतलब कि ऐसा इन्जॉय करो मेरे भाई लोग। तो चलो है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते कल फिर से अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं तो फिर आऊँगा मैं एक हफ्ते दो हफ्ते बाद पूरा एकदम पापा रिकवर होने के बाद। तो चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू मेरे भाई। सिंचो तो खे शिलचरी फुआ देवलो है आईसीए फैसिलिटी ले सुनो मन दिया सुनो भूया भूया बाबराम आमी किता लेखतम टोनी ब्रो कोल कोल आमी बीट लईलम बीटे आसलो मेलोडी आमी वर्स बनाइलम आइल कोल क्रश जिगर प्लान किता करलम किता करलम किता करलम ओ माय गॉड आमी मोरलम आमी मोरलम সরস্বতী পূজা গেল কিছু তো করলাম না ভ্যালেন্টাইন ডে মিস করলে মন মো আমি সিঙ্গল ও শোনা গো তুমি প্লিজ একটু বুঝো না বেজন বালা পাই আমি মিশা মাত্রাম না সিধা সাদা পুয়া আমি বেটি বাজি করি না বৌদি দেখলে প্রেমে পড়ি কিন্তু লাইন মারি না তুমি আমার জানবো প্লিজ অ্যাকসেপ্ট করো না যেটা হই ভাই কিনিয়া দিমু তুমি মানি যাও না বালা পাই দেখিয়া অত ইগনোর বালা না এরিয়া ফুরিন বেজান আমি লাইন দিই না কিতা অত রাগ তোমার একটু তুমি বুঝো না বুঝো না গলা ভাঙ্গি গেছে কইতে কইতে তেও দেখি তুমি আর শুনে রায় না শুন রায় না শোনা তুমি জানো শাড়িতে তুমি সুন্দরী আর কুর্তি পরলে পাঞ্জাবি পুরি ও শোনা তুমি আমারে সারিয়া যাইও না তুমি সারা আমি যে আর থাকতে পারতাম না তোমারে লইয়া যাইমু আমি ঘুরা সুইজারল্যান্ড লাগলে দিমু গিফট তোমার নামে আইসল্যান্ড বড় বড় মাটি বিকজ বাপ আমার কোটিপতি দুই ফুয়া আছে তার বড় ফুয়া বাড়ির কুটি আমার থেকে বালা ছেলে খুঁজলে পাইতায় না এখনো চান্স আছে পরে তুমি ফস্তাইও না শিলচারের ফুয়া আমি নামামা দে ব্রয় পরে না খামে করলেও চান্স দিতাম না চলো শিলচার সোনা আমার মাল লগে তোমারে মিলাইম চলো আমার গর সোনা আমি নিজের হাতে তোমারে খাওয়াইম যেটা হইছি সোনা আমি তোমারে করিয়া তো দেখাইম তুমি আমার ভ্যালেন্টাইন ওইলে সারা জীবন কুইন বানাইয়া তোমারে রাখমু চলো শিলচার সোনা আমার মাল লগে তোমারে মিলাইম চলো আমার গর সোনা আমি নিজের হাতে তোমারে খাওয়াইম যেটা হইছি সোনা আমি তোমারে করিয়া তো দেখাইম ¿Qué?